गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम लोग आए हैं भोपाल और हम लोग यहाँ पे घूमने जा रहे हैं ताजुल मस्जिद। तो आपको दिखाते हैं ताजुल मस्जिद कैसा है और साथ में दिखाते हैं कौन कौन है हम लोग के साथ में। ये भाई हैं अररिया से और ये भी उन्हीं के भाई हैं और इसको तो आप जानते ही है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं और उसके बाद पता चलेगा वहीं पर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। मज़ा तो आने वाला है, बाय द वे टहलते जा रहे हैं। बाकी भीड़ वगैरह है, कॉमन भीड़ वगैरह ही है, गाड़ी वगैरह लगी इधर। आई गेस कुछ निकल रहा है, ये मेरे को पता नहीं है, शायद कुछ तो है रैली वगैरह। इस ऊँट हमको दिखा रास्ते में, वाइट घोड़े वगैरह भी हैं। गाइज हम लोग फाइनली गाइज हम लोग मस्जिद के पास तो पहुंच गए हैं। अभी अंदर जाके एक एक चीज़ दिखाते हैं, घूमते फिरते हैं बेसिकली। इसके अलावा एक जगह और भी जाने वाले हैं। ट्रैफिक बहुत होती, गाड़ी वगैरह बहुत है, रोड बहुत ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है। के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए, वहाँ जाके फिर आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाएंगे। नज़ारा जी। ठीक है, चलिए। तो इस मस्जिद के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ, ये एशिया की नंबर सबसे बड़ी मस्जिद है एशिया की। ठीक है गाइज, यहाँ पे एंटर करते ही एक बहुत बड़ा लेक है। मस्जिद ये रहा और ये बहुत बड़ा लेक है और यहाँ पे मछली वगैरह बहुत ज़्यादा, बट लेकिन कचरा है, लेकिन लोगों ने कचरा फैला रखा। बाय द वे मछली देख सकते हो, ये देखो मछली है, शायद सही से आ नहीं रही कैमरा, बट कचरा फैला रखे हैं लोगों ने। आगे जाके दिखाता हूँ। भाई यहाँ देखो मछली कितना सारा है, चलेगी भाग गई। और यहाँ से आप व्यूज़ चेक कर सकते हैं, यहाँ ये लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। बाय द वे ये कुछ ऐसा व्यूज़ है यहाँ से। पूछते हैं तालाब में घूम के कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ का व्यू, वहाँ का नेचुरल जो व्यू है बहुत ही मज़ेदार का रहा। फाइनली हम लोग पूरा सेल्फी वगैरह ले चुके हैं। अब ये का यहाँ का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है और आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसा दिखाइए कि कितना खूबसूरत है, देखिए बैकग्राउंड में, देखिए बैकग्राउंड कितना व्यू लगता है। अभी हम लोग दिन में है, फाइनली उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आइएगा ये भैया ब्लॉग में आने के लिए। तभी से ना मतलब मेरे को परेशान करके रखे हुए, मैं सोचा चलो थोड़ा ब्लॉग में इसको ले आते हैं ना। बाकी अपना तो चलता रहेगा, चलते हैं आगे। ठीक है, वहाँ पे देखते हैं कैसा रहता, क्या सीन रहता, क्या नहीं रहता। और ये इसका मेन गेट है और हम लोग यहीं से अभी एंटर कर रहे हैं। फाइनली उधर तालाब के वगैरह साइड वगैरह घूम लिए एंड यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एंटर। फाइनली वी एंटर्ड हियर और ऐसा कुछ यहाँ पे अंदर पे है ज़्यादा कुछ नहीं, मेन मस्जिद में आई गेस घुसने नहीं दे रहा, शायद जुमा के दिन ही सिर्फ जाने देते हैं अंदर। बाहर था और हम लोग यहाँ पहुँच गए। कैसा लग रहा है आसद भाई आप लोग को? बहुत अच्छी लग रही है भाई, क्या बात है, मज़ा आ रहा नहीं आपको? कैसा लग रहा? बहुत एक्साइटेड जाने के लिए हम लोग, ये तो एक्साइटेड ही रह रहे हर चीज़ में। सिनेमैटिक चेक करो गाइस तुम लोग, ठीक है? सबसे बड़ी वाली गुंबद जहाँ पे बेसिकली नमाज वगैरह होती है उसके सामने ग्राउंड है इसका, इंटीरियर पे पूरा बड़ा वैसा बिल्कुल। और इधर बाकी इधर तो देख ही लिए और वो रहे असद भाई लोग उधर घूम रहे अंदर से। गाइज ये कुछ ऐसी है बिल्कुल, यहाँ पे एक बड़ा सा ये लग रखा है और काफ़ी अच्छा है माहौल, पूरा शांत है। अभी यहाँ का तो घूमना हो गया, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो अभी पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कहाँ पहुँचने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया डन एंड चलते हैं आगे। फिर हम लोग पहुँच गए हैं राजा भोज सेतु, है ना, वहीं पे हम लोग बोटिंग वगैरह भी करेंगे। मेरा इसका बोटिंग है ऊपर और इसे बड़ी तालाब भी कहते हैं ना। और असद भाई लोग आगे चल रहे हैं और बोटिंग करने का प्लान है, देखते हैं क्या होता है।
ये व्यू चेक करें गाइस। वो गाइस रास्ते में हमें एक छोटा सा झरना दिखा जो कि काफी अच्छा लग रहा है। कहाँ में एक बड़ा सा गिटार जिसे मैं घर ले जाने वाला हूँ, है ना, मजाक कर रहा हूँ। और इधर एक ट्रेन भी है। ये देखो गाइस यहाँ पे कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनका कुछ लगा हुआ है। 1905 में ये कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ पे ताजमहल है ना, डुप्लीकेट रेड फोर्ट एंड और सारा बहुत सारा। फाइनली हमने लाइफ जैकेट लगा ली, अभी जा रहे बोट पे, दिखाते हैं वहाँ से। और एक आइलैंड भी जाने वाले हैं अभी हम, और हम बोट पे आ भी गए बट फर्स्ट टाइम है तो फट रही। उधर चलो ठीक है, अभी जाते हैं, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। फर्स्ट टाइम है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा भाई, जिंदगी में ऐसी मजा मैंने। आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलते हैं अभी बीच में, वहाँ आइलैंड पे भी जाने वाले हैं, अभी वहाँ पे दिखाते हैं कुछ। हमारी बोट हो गई स्टार्ट एंड लेट्स गेट इट। लेने में बिजी हो रखे हैं, देखो। अभी हम लोग आइलैंड पे पहुंच गए बट आइलैंड को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आई गेस 10 मिनट, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। आइलैंड में है यहाँ पे एक दरगाह एंड हम लोग यहाँ पे जाने वाले, एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस आइलैंड में है एक दरगाह, है ना, दिखाते हैं हम आपको। पूरे आइलैंड में सिर्फ यही एक बिल्डिंग है जो कि दरगाह है, जो कि काफ़ी अच्छी है ना, और वाइब्स काफ़ी अच्छी आ रही है, बिल्कुल शांत वाइब है, मज़ा आ गया। ये कैसा लग रहा है यहाँ आइलैंड पे आके? भाई बहुत ही मस्त मोमेंट है, अगर कोई भोपाल आए तो जरूर यहाँ पे आए। बोट क्लब आओ भाई, मस्त है। मैं तो इसको अपना एकदम एंजॉय करो भाई, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर। मैं तो बोट क्लब को भाई मैं फुल ऑन फुल मार्क्स, तो मजा आ गया बोट क्लब आके। मेरे को लग रहा अभी वर्थ इट है पैसा, और हवा बहुत अच्छी चल रही है ना, मजा आ गया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस आई गेस, है ना। आइलैंड तो होके आ गए बट पूछते हैं कैसा लगा आइलैंड पे। आइलैंड पे कैसा लगा आपको? बहुत ही मैजिक प्लेस है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ के घूमिए। बहुत अच्छा लगा, आप सब दोस्त मिलकर बहुत इंजॉय किए। ठीक है, तो अब चलते हैं, आई गेस ब्लॉग एंड करना पड़ेगा। सो इसी बात पे ब्लॉग को करते हैं एंड। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ओके, और बेल आइकन को भी दबा लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अच्छा अच्छा व्लॉग्स आने वाला, नेक्स्ट के कुछ दिन मैं भोपाल रहने वाला हूँ, फिर दिल्ली जाने वाला हूँ, अच्छा अच्छा प्लेस घूमने वाला हूँ। ठीक है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो बाय बाय।